एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान हुआ तो उसके बाद हिंदू का यहाँ कोई भविष्य नहीं होगा। अरे कभी सोचा है 1000 साल से मुसलमान, मुगल, क्रिश्चियन, ब्रिटिश इंडिया पर राज करके चले गए, हिंदू तब उतने खतरे में नहीं था जितना अब है, हैं? और इतने साल गुलामी करने के बाद भी 80% पॉपुलेशन इंडिया की, जो मैसिव इंडिया की पॉपुलेशन है, वो हिंदू है। लेकिन मोदी के आने के 4 साल के अंदर ही हिंदू इतने में खतरे में हो गए, इतने खतरे में हो गए कि कोई प्रॉब्लम है इसमें। और प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि अब लोगों को भी ये समझ में आ गया कि बॉस इसमें कुछ जुमले की बात चल रही है, क्योंकि पॉलिटिशियन जब खुद खतरे में होते हैं ना, वो बेचारे हिंदुओं को खतरे में डाल देते हैं। कोई कहता है कि हिंदू खतरे में है, तो कोई कहता है कि मुसलमान खतरे में है। गौर से देखो यारों, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान खतरे में है। अब तो यकीन कर लो, नाउ इवन ग्रैंड मास्टर शिफूजी शौर्य भरतवाज, वर्ल्ड्स बेस्ट चीफ कमांडोज मेंटोर एंड चीफ पेट्रियट ऑफ इंडिया, हैज सेड हिंदू खतरे में नहीं है। शिफूजी ने कह दिया आई कैन रिलैक्स नाउ। यही 10 नहीं, जुमला स्लोगन्स तो बहुत सारे और भी हैं। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, 3D डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी एंड डिमांड फ्रॉम फार्म टू फॉक, IT, इंडियन टैलेंट प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू इंडिया टुमारो, 0 डिफेक्ट, 0 इफेक्ट, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, कुशल विकास योजना, स्किल इंडिया इनिशिएटिव, लव जिहाद, #, घर वापसी, है तो बहुत सारे। लेकिन अब सबसे बड़ा जो जुमला, जो स्लोगन है, वो आ रहा है, वो है मोदी खतरे में है, माओ से खतरे में है, ऑपोजिशन से खतरे में है, पाकिस्तान से खतरे में है, इंटरनेशनल एलिमेंट से खतरे में है, घिर चुके हैं मोदी जी। दैट इज वाई ही नीड्स योर सपोर्ट, दैट इज वाई ही नीड्स आवर सपोर्ट। और ये जो खतरा है ना मोदी जी को, ये सिर्फ 2019 इलेक्शन के बाद ही हटेगा। सो हिंदू इकोनॉमी, संस्कृति, जॉब्स, पीएम मोदी खुद, फार्मर, दलित, मीडिया, जुडिशरी, बॉर्डर, देश सब खतरे में है। 4 साल में ऐसा क्या हो गया भाई कि इतनी जल्दी सब खतरे में आ गए? हाँ भाई ठीक है, गौ माता सुरक्षित है, बट दैट्स नॉट द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ अ गवर्नमेंट ना बॉस। खतरे में सबसे ज्यादा जानते हो क्या है? हमारा कॉमन सेंस, हमारा मानसिक संतुलन। दिन भर व्हाट्सएप मैसेजेस फिल्ड विद बिगेट्री एंड हेट, शाम को दोस्तों के साथ फेक न्यूज ओवर बिगेट्री एंड हेट, रात को 9 बजे का डिबेट लेस्ट विद बिगेट्री एंड हेट। अरे यार हम ऐसे तो ना थे, हैं? ऐसे कैसे बन गए पिछले कुछ सालों में कि जॉब्स का क्या हो रहा है पता नहीं, इकोनॉमी का क्या हो रहा है पता नहीं, डिमोनेटाइजेशन हुआ था क्यों ये नहीं पता, 2 साल से गवर्नमेंट क्रिटिकल डेटा पर बैठी हुई है, रिलीज ही नहीं कर रही है, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ता है। भाई गाय हमारी माता है, आई अग्री, बट इसका यह मतलब नहीं है कि हमारा दिमाग खास करने चला गया हो, थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाओ। दैट इज वाई माई फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा खतरे में है हमारा दिमाग। डोंट लेट इट गेट हाईजैक यार, एंड डोंट बी सो सीरियस ऑल्सो। है? है? है?